हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है बेरोजगार भत्ते की जुलाई बिल पास की लेटेस्ट न्यूज़ में। तो दोस्तों, आपको पता है 2 दिन से छुट्टी चल रही थी और उस छुट्टियों में किसी भी ज़िले का बिल पास नहीं हुआ है और ना ही पेमेंट आया है। और आपको पता है आज मंडे हो गया है, तो आज किस ज़िले का बिल पास हुआ है जुलाई का और किस ज़िले का पेमेंट आया है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं इंटर्नशिप की। तो जिन साथियों को इंटर्नशिप मिल चुकी है तो वह जल्दी से ज्वाइन करके और अपनी SSO ID पर अपना ज्वाइनिंग लेटर अपलोड कर ले 7 दिन के अंदर। नहीं तो साथियों, भत्ता बंद भी हो सकता है क्योंकि बाहर सख्त नियम चालू हो चुके हैं। साथियों को इंटर्नशिप मिल चुके हैं और वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनका बेरोजगारी भत्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और पहले साथियों, हमको कुछ समय बिताना पड़ता था जहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर, बाकी अब हमें 4 घंटा रोजाना इंटर्नशिप देना जरूरी अनिवार्य कर दिया गया है। और हमारे साथी यूट्यूबर भी थोड़े दिनों पहले ट्वीट किए थे लेकिन उससे भी कोई फैसला नहीं किया गया है। तो दोस्तों, सभी बेरोजगार भत्ते के लाभार्थी मिलकर अपने अपने ज़िले में इंटर्नशिप बंद कराने के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे और उसमें लिखे इंटर्नशिप बंद हो और भत्ता समय पर मिले तो दोस्तों उससे कुछ फैसला हो तो हमारे लिए ही सही है। क्योंकि दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी करने वाले हमारे युवा साथियों को बहुत दिक्कत है इंटर्नशिप से, तो वह समय पर इंटर्नशिप नहीं दे पाते हैं और उनका भत्ता भी नहीं आता है इंटर्नशिप के कारण। और इसके अलावा दोस्तों, आज की जुलाई बिल पास के अपडेट के बारे में बात करें तो आज अभी तक किसी भी ज़िले का जुलाई का बिल पास नहीं हुआ है और ना ही पेमेंट आया है। और आज और अब तक 14 ज़िलों का जुलाई बिल पास हो चुका है और कुल 10 ज़िलों का पेमेंट आ चुका है, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। बाकी साथियों, इंटर्नशिप को लेकर बहुत बड़ी परेशानी चल रही है तो उसका निवारण करने के लिए हमें मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना ही पड़ेगा। बाकी साथियों, इंटर्नशिप को लेकर आपका क्या फैसला है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी साथियों, किसी भी ज़िले का बिल पास होता है या पेमेंट आता है तो हम आपको उसकी भी अपडेट दे देंगे। बाकी मिलते हैं बेरोजगार भत्ते की अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।